झारखंड में जल, जंगल और जमीन वाली सरकार है, लेकिन राज्य के जल, जंगल और जमीन खतरे में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अवैध खनन। बड़े पैमाने पर अवैध खनन का मुद्दा देश के सर्वोच्च सदन में भी उठा। राज्य की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। CISF के द्वारा वहाँ के पकड़े हुए जो पकड़े जाते हैं जो अपराधी, उन पर FIR करने के लिए जब निर्देश दिए जाते हैं तो राज्य की सरकार FIR दर्ज नहीं करती है। और दुर्भाग्य इस बात का है सर कि बंगाल और झारखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो कंपनियां काम कोल माइनिंग सेक्टर है सर, जहां माइंस होता है, वहां पर सबसे ज्यादा वहां पर इलीगल माइनिंग हो रहा है। और इलीगल माइनिंग में झारखंड की बैठी हुई सरकार में जो सत्ताधारी दल है और बंगाल में बैठी हुई जो सत्ताधारी दल है, दोनों के बीच में अवैध संबंध है, जिसके कारण वहां पर कोयले की तस्करी बढ़ती चली जा रही है। थैंक यू। इधर राजधानी रांची में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। चूंकि पत्थर की माइनिंग बिना लीज के कोई आदमी नहीं कर सकता, अतः हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा लीज देना सरकार का कार्य करना है, अतः धारा 9 के तहत श्री हेमंत सोरेन को डिसक्वालीफाई करनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री किसी तरह का व्यापार नहीं कर सकता, फिर भी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सरकार चलाते हुए अपने नाम से व्यापार कर रहे हैं, इसलिए यदि उनके पास थोड़ी भी नैतिकता शेष है तो अविलंब अपने पद से इस्तीफा देकर अपने दल के ही किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं, रघुवर दास ने दुमका विधायक बसंत सोरेन पर भी निशाना साधा। कंपनी में कौन पार्टनर है ये संथाल परगना का बच्चा बच्चा जानता है। और ये सिर्फ अवैध माइनिंग नहीं, लाभ का पद, क्योंकि जो पार्टनर है सत्ताधारी परिवार का एक जनप्रतिनिधि भी है। उधर कांग्रेस का दावा है कि झारखंड में भाजपा ही अवैध खनन की जननी है और उस हिसाब से सबसे पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अवैध खनन पर बोलने का नैतिक अधिकार है, ये अपने गिरेबान में वो झांक करके देखें कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 17 सालों में इस राज्य को अवैध खनन करवा करके अपने चहेतों की तिजोरी भरवाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा की तलाश में कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। इतना तो तय है कि झारखंड में अवैध खनन होता है। धनबाद में जिस तरह से लोग काल के गाल में समा रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन सियासी बयानबाजी से इतर क्या कभी कोई सरकार इस पर रोक लगाने की पहल करेगी? रांची से समाचार प्लस के लिए संजीव सिन्हा के साथ अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।